नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, यहाँ पे DLED के असाइनमेंट को लेकर यहाँ पे बड़ा जो अपडेट आ रहा है कि शिक्षकों को यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है असाइनमेंट को खरीदने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट से हो चाहे वो ऑनलाइन मार्केट से हो, यहाँ पे शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है कि आपको असाइनमेंट खरीदना है। तो इसके बारे में यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं दोस्तों। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट जो है nyidunia.com से ये लिया गया है। इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, असाइनमेंट के प्रपत्र निजी ऑनलाइन सेंटर से लेने की डाली पोस्ट। और फिर नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया है, नगर में डीएलएड के शिक्षकों से संबंधित एक मामला सामने आया है जिसमें प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को निजी ऑनलाइन सेंटर से एक शिक्षक द्वारा असाइनमेंट की सामग्री लेने पर मनमानी की जा रही है, जिसको व्हाट्सएप ऐप के जरिए छात्रों को आदेश दिया गया है। असाइनमेंट के नाम पर छात्रों से कमाई करने का नया तरीका अध्ययन केंद्र के जिम्मेदार शिक्षक द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, तो यहाँ पे देखें व्हाट्सएप पे जो है शिक्षकों के द्वारा जो है एक पोस्ट डाला गया जिसमें कि लिखा गया कि आपको जो है इस दुकान से यहाँ पे असाइनमेंट खरीदना और फिर सबमिट करना है, या फिर आपको ऑनलाइन जो है आपको ऑनलाइन यहाँ से असाइनमेंट खरीदना और फिर सबमिट करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है वो असाइनमेंट आपको खुद से लिखना है, उसके बाद सबमिट करना है। लेकिन व्हाट्सएप पर यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे पोस्ट फैलाया गया कि आपको जो है असाइनमेंट खरीद के वहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे ये भी बोला गया, प्रॉपर वहाँ पे दुकान का नाम बताया गया कि आपको उस दुकान से जो है असाइनमेंट खरीद के यहाँ पे सबमिट करना है। और फिर नीचे देखें तो लिखा गया है, शासन की ओर से प्राइवेट शिक्षकों को डीएलएड की डिग्री के लिए कोर्स कराया जा रहा है जिसमें 2018 से 19 के सत्र में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अकोदिया में कुल 3 अध्ययन केंद्र हैं जिसमें यहाँ पे देखिए अध्ययन केंद्र का यहाँ पे नाम दिया गया है। इन तीनों को मिलाकर लगभग 300 छात्र डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं। अगले माह होने वाली डीएलएड की परीक्षा से पहले छात्रों से असाइनमेंट जमा कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे जगह जो है 501, 502, 503, 504 और 505 का जो भी यहाँ पे असाइनमेंट है उसको यहाँ पे जो है सबमिट करवाया जा रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट किया है या फिर नहीं किया है, या फिर आपको यहाँ पे क्या डेट दिया गया असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो आपको क्या डेट दिया गया असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं ताकि यहाँ पे जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को यह पता चल सके कि कहाँ पे जो है क्या डेट दिया गया असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। और फिर आगे लिखा गया है, कुछ असाइनमेंट के लिए एक ही फोटोकॉपी सेंटर से असाइनमेंट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इस प्रकार का मैसेज व्हाट्सएप ऐप पर एक शिक्षक द्वारा पोस्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक के द्वारा जो व्हाट्सएप पे इस तरह का यहाँ पे पोस्ट किया गया कि आपको इसी दुकान से जो आपको असाइनमेंट खरीदना और फिर सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखें तो व्हाट्सएप के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए जो है शिक्षकों को यहाँ पे मैसेज किया जा रहा है कि आपको इस स्टोर पर से, यानी कि इस दुकान पर से आपको असाइनमेंट खरीदना है, या फिर ऑनलाइन जो है आपको यहाँ से असाइनमेंट खरीदना है, या फिर SBA के लिए जो भी फाइल है आपको यहाँ से खरीदना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बता दें कि आपको कहीं भी स्टोर पर से, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो चाहे वो ऑफलाइन स्टोर हो, आपको कहीं से भी कुछ नहीं खरीदना, चाहे वो असाइनमेंट हो चाहे वो SBA का फाइल हो चाहे फिर वर्कशॉप का फाइल हो, आपको कहीं से कुछ भी नहीं खरीदना है। जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है, SBA का फॉर्मेट हो चाहे फिर वर्कशॉप का फॉर्मेट हो, वो आपको स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको बताया जाएगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, या फिर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो आपको जो भी फॉर्मेट है वो दिया जाएगा। और फिर आपको खुद से उसमें लिखना है, जो भी आपका SBA का फाइल आपको वो खुद से बनाना है, या फिर जो भी वर्कशॉप का फाइल होगा वो आपको खुद से बनाना है, या फिर जो भी आपका असाइनमेंट है वो आपको खुद से लिखना है और फिर सबमिट करना है। आपको कहीं से भी खरीद के जो है इस तरह से आपको असाइनमेंट या फिर जो भी वर्कशॉप है या फिर जो भी SBA है वो आपको कहीं से भी खरीद के आपको सबमिट नहीं करना है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अवेयर रहें कि आपको कहीं से भी जो है इस तरह के फाइल या फिर इस तरह के असाइनमेंट जो है आपको कहीं से भी खरीद के सबमिट नहीं करना है। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है, इसमें छात्रों को सीधे ऑनलाइन शॉप से असाइनमेंट लेने को कहा गया है, एक ही दुकान से असाइनमेंट लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में शिक्षक की दुकानदारी से लेकर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से यहाँ पे जितने भी डीएलएड कर रहे शिक्षक हैं सभी को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है कि आपको जो है यहाँ से ऑनलाइन असाइनमेंट खरीदना या फिर ऑफलाइन जो आपको किस दुकान पर से असाइनमेंट खरीदना है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है बोल के गुमराह किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको कहीं से भी कुछ नहीं खरीदना है। आपका जो भी मटेरियल है वो आपका जो भी डीएलएड की वेबसाइट है वहाँ पर दिया गया है। हर एक लैंग्वेज में जो है जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो डीएलएड की वेबसाइट पर दिया गया है, और जो भी आपको असाइनमेंट या फिर SBA है वो आपको खुद से लिखना और खुद से फिर आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए, नोडल ऑफिसर के द्वारा जो इस पे यहाँ पे कुछ बोला गया है, नोडल ऑफिसर के द्वारा बोला गया है, कार्रवाई होगी, शिक्षक द्वारा गलत पोस्ट भी डाली गई है, डीएलएड के छात्र अपने हाथों से असाइनमेंट बनाकर लाएं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इस मामले में कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे देखिए, नोडल ऑफिसर के द्वारा क्लियर रूप से बोला गया है कि जो भी आपका असाइनमेंट है आपको खुद से लिख के लाना है और फिर सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए, NIOS के द्वारा एक परपत्र जारी किया गया था जिसमें कि क्लियर रूप से लिखा गया था, असाइनमेंट के बारे में बताया गया था कि आपको उसमें खुद से असाइनमेंट लिखना है तभी आपको उस पर नंबर दिए जाएंगे। अगर आप कहीं भी टाइपिंग करवाते हैं या फिर कहीं भी आप फोटोस्टेट करवा के आप सबमिट करते हैं तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको कहीं से भी जो है असाइनमेंट खरीद के सबमिट नहीं करना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको उसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए आपको
खुद से लिख के जो है असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख के चलें, जो भी एनआईओएस का यहाँ पे जो भी गाइडलाइन दिया गया है, चाहे वो असाइनमेंट को लेके हो चाहे वो एसबीए को लेके हो, उस चीज़ को देखते हुए अपने एसबीए को तैयार करें, उस चीज़ को देखते हुए अपने जो भी आपका वर्कशॉप है उसको तैयार करें और फिर असाइनमेंट को तैयार करें, ताकि आपको इन सब चीज़ों में जो अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ सके। तो यही दोस्तों यहाँ पे आज का बड़ा अपडेट था। और दोस्तों आगे यहाँ पे जो भी अपडेट आता है एनआईओएस से डीएलएड को लेकर या फिर ब्रिज कोर्स को लेकर, तो आपको इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।